मीन्स जो ए पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड, मतलब किसने प्रस्ताव किया, किसने प्रस्ताव रखा टू बाई खरीदने का, द शेयर मतलब हिस्सा ऑफ द लैंड जमीन का। देखिए ग्रामर का जो पोर्शन मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं उस पर बड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे यहां मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या है अगर आप उसे क्रमवाचक रूप में लिखते हैं तो आप उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अगर आप ग्रामर पर ध्यान रखेंगे तो जो आपकी टेंथ लेवल की जो ग्रामर है वो तो वैसे ही सही हो जाएगी, क्योंकि एमपी बोर्ड में इतना ज्यादा आता कहां है, ग्रामर इतनी ज्यादा डीपली पूछी कहां जाती है, बड़ी शॉर्ट शॉर्ट पूछी जाती है, और वो भी अगर आप इस पर ध्यान दे दें तो ग्रामर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़े। आगे देखिए कि हु प्रपोज्ड टू बाई, किसने प्रस्ताव किया खरीदने का, द शेयर मतलब हिस्सा ऑफ द लैंड जमीन का, तो जमीन के हिस्से को खरीदने का प्रस्ताव किसने किया, गिवन जो दी गई टू बाबुली, बाबुली को। तो आपको शायद याद होगा जब मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया था तो वहां बताया था कि लास्ट में जाके जब पूरा बंटवारा हो गया था तो जो दूसरा भाई था उसने कहा था बाबुली से कि तुम चाहो तो अपनी जमीन बेच सकते हो और इसके बदले में तुम्हें 18,000 रुपए दे दूंगा। तो किसने उसकी जमीन को खरीदने का प्रस्ताव किया, सेकंड ब्रदर ने। तो आपको इसके आंसर में केवल सेकंड ब्रदर लिखना है कि बाबुली से सेकंड ब्रदर। एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि यार दो लाइन का आंसर नहीं है, यार जब टू द पॉइंट आंसर उसका बन रहा है कि हु प्रपोज्ड टू बाई, डायरेक्ट उसमें केवल यह पूछा जा रहा है कि किसने खरीदने का प्रस्ताव किया, यानी जब आपका केवल नाम से काम चल रहा है तो आप कॉपी पे वजन क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, आप वजन बढ़ा के क्या सिद्ध कर रहे हैं, मतलब कॉपी तुल के थोड़ी जचेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं साहब इसको तराजू पे रखा जाएगा और फिर तोला जाएगा तब पता लगेगा कि भैया कितना वजन है इसमें और उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिखने के लिए बोला जाता है, ये नहीं कि आप पन्ने भरते जाएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, बेशक थोड़ा लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, उसमें उसका पूरा सेंस निकलना चाहिए, ऐसा लिखिए। तो यहां आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको केवल बाबुली से सेकंड ब्रदर लिख देना है, बाद बाकी आपको कुछ नहीं लिखना। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब, हाउ मतलब कैसे, ऑथर मतलब लेखक, और ये शायद आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये जो आपकी कहानी है इस कहानी का लेखक कौन है, बाबुली खुद, जो लेखक है उसने अपने नाम को ही बाबुली माना है। तो हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब, लेखक ने कैसे वर्णन, अब यहां देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब है, डिस्क्राइब आपकी मेन वर्ब है, समझ आया कि नहीं। तो पहले तो आप इसमें यह देख के बताइए कि इसमें गलत क्या हो गया, हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब जो मैंने लिखा है इसमें क्या गलती हो गई। देखिए इसमें गलती ये हो गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है, तो यहां डिस्क्राइब का डिस्क्राइब्ड होगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेंस, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, अब वर्णन करना को परफेक्ट में ले जाएंगे तो परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये परफेक्ट की पहचान होती है। तो यानी यहां आपको करना है कि लेखक कैसे, लेखक ने कैसे वर्णन किया है या लेखक कैसे वर्णन कर चुका है, द पैडी फील्ड्स धान के खेतों का। परफेक्ट कहने का मतलब यह है कि काम को तो पूर्ण कर दो, और हैज प्रेजेंट परफेक्ट है तो काम को पूर्ण कर दो वर्तमान काल में। अब चूंकि आप लोग पहचान चुका है, चुकी है, चुके है, ही रटे हैं, इसलिए मैं उसको लगा के बताता हूं, अदरवाइज आप कोई भी वो वर्ड लगा दें जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि काम अभी खत्म हुआ है। जैसे लेखक ने कैसे वर्णन किया है, आप ये कह दें तो भी काम खत्म हो गया,
या लेखक कैसे वर्णन कर चुका है, ये कह दिया तो भी काम खत्म हो गया। लेखक ने कैसे वर्णन कर दिया है तो भी काम खत्म हो गया। समझ में आया? तो ये दिमाग में मत रखा करो कि लास्ट में हमें चुकी है लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हैज हैव है प्रेजेंट का परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब ये नहीं होता कि चुकाए चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब तो ये होता है कि काम को वर्तमान काल में समाप्त हो जाए, ऐसा व्यक्त कर दीजिए। तो ये हो गया कि लेखक ने कैसे वर्णन किया है, द पैडी फील्ड्स धान के खेतों का। अब आंसर के वर्ड मीनिंग देखिए, एवरीवेयर मतलब हर जगह, इन द पैडी फील्ड्स धान के खेतों में, द ऑथर लेखक कुड फील महसूस कर सका, द इम्प्रिंट्स पद चिन्ह पैरों के निशान ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स फीट, तो पद चिन्ह महसूस कर सका किसके, अपने बड़े भाई के पैरों के, तो अपने बड़े भाई के पैरों के चिन्ह उसने देखे, पाम हथेली के, एंड फिंगर्स और उंगलियों के, ऑन द वॉसम छाती पर, यानी खेत के ऊपर, खेत की छाती पर कह दिया, इसका मतलब खेत के ऊपर, ऑफ द फील्ड खेत के, तो खेत की छाती पर, खेत की छाती पर कहने का मतलब कि जो फसल लगी थी उसके ऊपर, स्पार्कल्ड चमके, द पर्ल्स मोती ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वेट, उसके बड़े भाई के पसीने के, तो बड़े भाई के पसीने के मोती उसे खेत की छाती पर चमकते हुए दिखाई दिए। तो ये आपको बताना है कि जो पैडी फील्ड था उसका लेखक ने वर्णन कैसे किया है। अब ये कहानी में पहले जाइए कि ये कहानी कब की है, जब बंटवारा हो गया, जमीन बट गई, पता चल गया कि ये खेत इसके हैं, ये खेत इसके हो गए, तो जो बड़ा भाई था, क्योंकि दूसरा भाई तो गांव में ही रहता था, तो बड़ा भाई बाबली को ले गया कि चलो तुम्हारे खेत में दिखाई देता हूं। जब बाबुली वहां गया खेत पे, तो बाबुली ने खेत देखे, उस समय उसे क्या लगा आपको वो बताना है। समझ में आ गई? तो ये है क्वेश्चन कि हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब्ड, कि लेखक ने कैसे वर्णन किया है द पैडी फील्ड्स धान के खेतों का। आप क्या कहेंगे कि द ऑथर एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड्स, के हर जगह द ऑथर कुड फील, आप तो डायरेक्ट यहां से करें कि द ऑथर कुड फील, यानी खेत में लेखक महसूस किया, लेखक महसूस कर सका क्या, द इम्प्रिंट्स पैरों के निशान, इम्प्रिंट्स निशान होते हैं, ऑफ द एल्डर ब्रदर्स फीट, यानी अपने बड़े भाई के पैरों के निशान को उसने महसूस किया। महसूस करने का यह मतलब नहीं है कि आपको वहां पैरों के निशान दिखाई दिए, इसका यह मतलब है कि जो इतनी अच्छी फसल खड़ी थी तो उससे वो समझ गया कि मेरे भाई के यहां कितने बार बार कितनी मेहनत करी होगी भाई ने, तो इस तरीके से उसे इम्प्रिंट्स दिखाई दिए, तो उसे इम्प्रिंट्स काय के दिखाई दिए, तो उसे इम्प्रिंट्स यानी निशान दिखाई दिए काय के, उसके पैरों के, पाम हथेलियों के, एंड फिंगर और उंगलियों के, तो इतने निशान दिखाई दिए, इसका मतलब ये नहीं कि इन सबके वहां निशान थे, इसका केवल ये मतलब है ये बात कहने का कि भाई का जो परिश्रम था, परिश्रम काय में देखेगा कि जो फसल लहला रही थी उसके द्वारा वो महसूस कर पाया कि मेरे भाई ने यहां कितनी मेहनत की है। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड्स, कि हर जगह धान के खेत में, द ऑथर कुड फील, कि जो लेखक था वो महसूस कर सका, द इम्प्रिंट्स निशान ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स, अपने बड़े भाई के फीट पैरों के, पाम हथेली के, एंड फिंगर और उंगलियों के। क्लियर?
इतनी बात तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये निशान कहने का क्या मतलब है। तो एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड्स, के धान के खेत में हर जगह, द ऑथर कुड फील, लेखक महसूस कर सका, लेखक में इतनी क्षमता थी कि वो फसल को देख करके ये महसूस कर सकता था, कि द ऑथर कुड फील, लेखक महसूस कर सका, क्या महसूस करा, द इम्प्रिंट्स, निशान ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स फीट, अपने बड़े भाई के पैरों के, पाम हथेली के, एंड फिंगर्स और उंगलियों के, तो इतने निशान उसने महसूस करे उस फसल को देखकर। दूसरा, ऑन द बॉसम ऑफ द फील्ड, यानी खेत की छाती पर, यानी सीधे सीधे है कि जो लहल आती खेती खड़ी थी उस पर, ऑन द बॉसम ऑफ द फील्ड, के खेत की छाती पर स्पार्कल्ड, चमका, तो खेत की छाती पर इसका मतलब क्या है कि जो फसल चमक रही थी उसे लगा कि ये मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती हैं जो चमक रहे हैं। तो ऑन द बॉसम ऑफ द फील्ड, के खेत की छाती पर क्या दिखाई दिया, स्पार्कल्ड, चमका, द पल्स, मोती, काहे के, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वेट, कि ये मेरे बड़े भाई का पसीना है जो फसल के रूप में चमक रहा है। तो ये उसको क्या लगा कि ऑन द बॉसम ऑफ द फील्ड, यानी खेत की छाती पर क्या चीज थी, स्पार्कल, चमका, और क्या चीज चमकी, पल्स, मोती, के खेत की छाती पर मोती चमके। अब वो मोती काय के थे, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वेट, वो उसके बड़े भाई के पसीने के मोती थे, वो रियल मोती नहीं थे। समझ में आ गई बात। तो ये पूरी थी कि इस तरीके से उसने पैडी फील्ड्स का वर्णन किया था। तो आपको यहां यही बताना था कि लेखक ने पैडी फील्ड्स का वर्णन किस तरीके से किया है। तो आप क्या कह देंगे कि एवरीवेयर इन द फील्ड या एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड द ऑथर कुड फील, लेखक महसूस कर सका, द इम्प्रिंट्स, निशान ऑफ एज एल्डर ब्रदर्स फीट, पाम एंड फिंगर्स। दूसरी बात क्या देखी उसने कि ऑन द बॉसम ऑफ द फील्ड, के खेत की छाती पर स्पार्कल्ड, चमके, क्या चमके, पल्स, मोती, काय के, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वेट, उसके बड़े भाई के पसीने के मोती खेत की छाती पर चमके। तो बस ये तीनों आंसर हैं आपके क्वेश्चन, मतलब आंसर इतने ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, बड़ा इजी आंसर है इसका। यानी आपको पैडी फील्ड्स का यहां केवल वर्णन करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये वर्णन कर देंगे कि पैडी फील्ड में उसे क्या दिखाई दिया, तो वो आप ये कह देंगे कि एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड द ऑथर कुड फील, लेखक ने महसूस किया इम्प्रिंट्स को, लेखक ने निशान महसूस करे, वो काय के थे कि उसके बड़े भाई के हाथ पैर उंगली, यानी जो उसने मेहनत की वो उसे दिखाई दी। द ऑथर कुड फील, सॉरी, एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड, के धान हर जगह खेत में उसे क्या दिखाई दिया, तो द इम्प्रिंट्स दिखाई दिए ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स, एक तो फीट के, पाम के एंड फिंगर के। इसके बाद अगर आप दूसरी बात कहें तो जो फसल थी उसके रूप में उसे बड़े भाई के पसीने के मोती दिखाई दिए, तो वो कहेंगे कि ऑन द बॉसम ऑफ द फील्ड, के खेत की छाती पे स्पार्कल्ड, चमके, पल्स, मोती, काय के, मोती, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वेट, उसके बड़े भाई के जो पसीने के मोती थे वो मोती की तरह चमक रहे थे। तो बस ये बिल्कुल इजी आंसर है। फर्स्ट में आपको ज्यादा बताना नहीं था कि हाउ डिड द सेकंड ब्रदर बिहेव, दूसरे भाई ने कैसा व्यवहार किया, तो पहला बता देंगे कि इमोशनलेस और ग्रीडी था, फिर बाद बाकी की चीजें आप बता देंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6।